हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया मैं. ओके, आज हमें क्वेश्चन आंसर्स करने थे, सो लेट्स स्टार्ट. माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, यानी हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं. सबसे पहले फर्स्ट इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है उन लोगों के लिए या उस चीज के लिए जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या उसके बारे में रिसर्च करते हैं. ओके, सेकेंड वन इज हाउ डू सम माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. मतलब कैसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं वो ऐसी जगह भी रह सकते हैं या सर्वाइव कर लेते हैं जो उनके अकॉर्डिंग है ही नहीं. मतलब उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट न मिलने के बाद भी वो कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? तो कैसे कर लेते हैं? बिकॉज वो फॉर्म स्पोर्स फॉर्म करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. वो क्या करते हैं? स्पोर्स फॉर्म करते हैं इन विच दे रिमेन्स इन इनएक्टिव फॉर्म. वो उन स्पोर्स में क्या करेंगे? इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे. मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो एकदम शांत पड़े रहेंगे जब तक कि कंडीशन उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल जाती, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म अंटिल द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल फॉर देम. जब तक उनको जैसी कंडीशन चाहिए वैसी नहीं मिल जाती है तब तक वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं. ठीक है, और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक सही टाइम ना आए चुप रहने में ही फायदा है. ठीक है, सेम ऐसे ही जब तक इनको सही सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी वो एक्टिव हो जाएंगे. ओके, थर्ड वन इज हाउ डज द सेरोगेसी सी ओन्स इट्स नेम. ठीक है, किस नाम से जो सेरोगेसी सी है उसका नाम किस पे पड़ा है? तो मैंने आपको पढ़ाते बताया था कि एक एल्गी होता है, ठीक है, सेरोगेसो नाम का, जिसके नाम पे क्या है ये पढ़ा है. सेरोगेसो सी ओन्स इट्स नेम टू द ब्राउन एल्गी सेरोगेसो. ठीक है, सेरोगेसी जो है वो किस पे पड़ा है? सेरोगेसो नाम का एल्गी है जो क्या है, ब्राउन एल्गी है. ओके, इस पे इसका नाम रखा गया है. फटाफट से नोट कर लीजिए. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, नेम देम. जो बैक्टीरिया है उनको उनके शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग नेम से कैटेगराइज किया गया है. मैंने आपको पढ़ाते बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो ये चार हैं. सबसे पहले है बेसिली जो रोड शेप में होती है, देन बोकाई स्पेरिकल शेप, स्पायरला ये क्या है, स्पायरल शेप, एंड विब्रियस जो कोमा शेप बनती है. ठीक है, तो चार नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न, आपको अच्छे से लर्न करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बैक्टीरिया आर डिवाइडेड, ये हो चुका है फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए बैक्टीरियल सेल एंड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. जो बैक्टीरिया का सेल है और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? बैक्टीरिया सेल डोंट हैव अ न्यूक्लियस. बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस होता है. व्हाइल द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि मतलब ये इसी, अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस क्लियर और अच्छे शेप में हमें दिखता है. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम देखें तो बाकी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें क्लियरली न्यूक्लियस दिखेगा. ओके, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस. बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने आप को डिवाइड करते हैं या कैसे अपने यंग वंस को भर देते हैं? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, और ये आपको पता है ये क्या, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है,
is a type of asexual reproduction. Coming to the next question, mention two ways in which bacteria are helpful to us. Bacteria हमारे लिए कैसे helpful है, कैसे मदद करते हैं हमारी. First one है used in making antibiotics, antibiotics के बनाने में use होता है. Second, uses in making curd from milk. हम देखते हैं कि milk को curd यानी दूध को दही में कौन convert करता है, bacteria. तो ये दूसरा use हो गया हमारा. और भी आप लिख सकते हो लेकिन दो ही पूछे हमें. Okay, next. Eighth question is, do red and brown algae have chlorophyll? क्या red और brown algae chlorophyll होता है? तो yes, answer is yes होता है. Name a protozoan which can photosynthesize. ऐसा protozoan जो photosynthesize कर सकता है, ठीक है? Euglena मैंने आपको बताया था, इनमें इसमें क्या होता है? Chlorophyll होता है और ये अपने आपको photosynthesize कर सकता है. तो Euglena याद रखिएगा. Next is, name a disease caused by protozoans. Protozoans की वजह से कोई disease होने वाला कोई भी एक disease बताइए. तो amoebiasis, ये अमीबा से होने वाला एक disease है जो अमीबा भी क्या है, protozoan है. तो amoebiasis फटाफट नोट कर लीजिए. Okay students, complete कर लीजिएगा. Next questions we will discuss tomorrow.